नमस्कार, मेरा नाम है गगनदीप सिंह और आप देख रहे हैं तेज तरार। राजधानी दिल्ली से एक बार फिर हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि 22 से 23 साल की उम्र के एक युवक ने एक 42 वर्ष की महिला की हत्या कर दी। महिला का नाम रेनु बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद युवक ने भी अपने घर जाकर आत्महत्या कर ली। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं स्थानीय लोगों से। सर, क्या मामला पूरा बताया जा रहा है कि आशीष नाम के व्यक्ति ने अपनी महिला मित्र की गोली मारकर हत्या कर दी, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, महिला मित्र थी, इसका मुझे कोई मालूम नहीं है। मैं एडवोकेट योगेश गुप्ता द्वारका से बिलोंग करता हूँ। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री और द्वारका अग्रवाल समाज का महामंत्री हूँ। मुझे पता लगा सुबह, मेरे पास फ़ोन आए कुछ लोगों के समाज के कि भी ऐसे ऐसे धर्मपाल गोयल जी की धर्मपत्नी जी को किसी शरारती तत्व ने गोली मारी है। उनका क्या प्रेम प्रसंग था ये मुझे नहीं पता है, ये आप लोग बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, महिला मित्र थी नहीं थी ये भी हमें नहीं मालूम है। लेकिन एक बहुत ही शांत स्वभाव की एक धर्म प्रवर्ती की महिला थी। अभी शिवरात्रि पे कावड़ का हमने बहुत बड़ा एक वो लगाया था, उसमें बहन जी ने बहुत मदद भी करी, खूब हेल्प करी। और एक धर्म परिवार, सारा धर्मपाल जी का बहुत अच्छा परिवार है, सभ्य परिवार है। और ऐसी कभी हमने ना सुनी। और जो हुआ, जिसने किया वो गलत किया, इसके लिए पूरा समाज बड़ा रोष में है, बड़ा खेत है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। और दिल्ली में आज महिलाओं के साथ ऐसी घटना हो रही है, इसके लिए बड़ा तकलीफ का विषय है। इसके बाद सर बताया जा रहा है कि जो युवक था आशीष, उसने भी घर पर जाकर आत्महत्या कर ली थी। हाँ, ये अभी अखबारों से और टीवी चैनल से पता लगा कि उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। इसका मेन कारण क्या रहा, कैसे रहा, ये तो देखो अभी पता चला नहीं है। लेकिन जो भी है, गलत हुआ। तो सर, क्या कुछ प्रेम प्रसंग का मामला या पहले से कोई रंजिश या ऐसा कुछ विवाद सामने आया हो? नहीं नहीं, ऐसा ना तो किसी को पता है, ना ही मुझे ऐसा लगता कि कोई प्रेम प्रसंग वाली बात होगी। ऐसी महिला नहीं थी वो। एक तरफा तो हो सकता है किसी का प्यार हो, लेकिन महिला ऐसी नहीं थी वो। मैं बहुत सालों से जानता हूँ, ऐसी इस तरह की महिला नहीं है वो। पूरा मामला आप सभी ने देख लिया कि किस तरह से एक युवक ने एक महिला, 42 वर्षीय महिला की हत्या कर दी। और ऐसे ही लगातार मामले सामने आते आ रहे हैं राजधानी दिल्ली से। इससे पहले आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में भी एक शख्स ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते अपनी मां की हत्या कर दी थी। और ऐसे ही लगातार मामले राजधानी दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। इस मामले पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरामैन आकाश शर्मा के साथ मैं गगनदीप सिंह, दिल्ली तेज तरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।